डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट, आपने ये टर्म सुनी होगी। मनी मार्केट एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट का ही हिस्सा होता है। एक्चुअली जब भी फाइनेंशियल मार्केट की बात आती है, एक ही टर्म बच्चों को याद आती है, वो है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट काफ़ी ब्रॉड टर्म है। फाइनेंशियल मार्केट के दो हिस्से होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के भी दो हिस्से होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, जिन्हें हम अलग से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है, यानी कि जिन्हें अल्पकाल के लिए धन चाहिए होता है, और जो अल्पकाल के लिए धन देने को तैयार हो जाते हैं, वो इस मार्केट के थ्रू एक दूसरे से डील करते हैं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इस मार्केट में डील किए जाते हैं। आप जानते हैं कि बिजनेस को पैसा दो कारणों के लिए चाहिए होता है। बैंक्स, कॉरपोरेशन, इंडिविजुअल, सभी को पैसा दो कारणों से चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट बेसिकली होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। आपको थोड़े समय के लिए भी पैसा चाहिए होता है, बैंक्स को भी अपने विड्रॉल्स में और उनकी जितने रिक्वायरमेंट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, इसमें जो डिफरेंस आ जाता है उसको भी डील करने के लिए पैसा चाहिए होता है। सभी कॉरपोरेशंस को अपनी लायबिलिटीज़ में को डील करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा चाहिए होता है, एक्सपेंशन के लिए, कंपनी सेटअप करने के लिए। जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए कैपिटल मार्केट होता है, और लेकिन शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए भी एक वेल एस्टैब्लिश फाइनेंशियल मार्केट चाहिए होता है, और इसी के लिए मनी मार्केट का स्वरूप तैयार किया गया है। भारतीय मनी मार्केट दो हिस्सों में बंटा हुआ है, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट और ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। तो अब किस लिए, इसका पर्पज़ क्या होता है मनी मार्केट का? मान लीजिए कोई बोरोवर है, कोई कंपनी हो सकती है, बैंक हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, उन्हें थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए। समय यानी कि थोड़ा समय मान लेते हैं, एक साल से कम ही होता है, यानी कि इसमें जो है एक दिन से लेकर 364 दिनों तक जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि जिनकी मैच्योरिटी एक दिन से 364 दिनों की होती है, वो इसमें डील की जाती है। तो थोड़े समय के लिए पैसा सभी को चाहिए होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे कॉरपोरेशंस होते हैं जो कैश रिच होते हैं, यानी कि बैंक्स के पास, गवर्नमेंट के पास या इंडिविजुअल्स के पास भी कई बार एक्स्ट्रा कैश रह पाता है, जो उन्हें थोड़े समय के लिए नहीं भी चाहिए होता है। तो आप अपना एक्स्ट्रा पैसा, सरप्लस कैश इन्वेस्ट करना चाहते हैं और किसी को वो पैसा चाहिए होता है, तो इन बोरोवर्स को और इन लैंडर्स को मनी मार्केट पास लेके आता है। मनी मार्केट को ज्योग्राफिकल लोकेशन होना ज़रूरी नहीं, बल्कि ये ऑनलाइन भी हो सकता है या पूरे भारत में या पूरे विश्व में बिखरा हुआ हो सकता है। जिस भी माध्यम से ये ट्रांजैक्शंस हो जाएं, वो मनी मार्केट का हिस्सा बन जाते हैं। तो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट होता है जो बेसिकली आरबीआई के अंडर कंट्रोल में होता है। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में आते हैं एजनेस बैंकर्स, आपने साहूकारों के बारे में सुना होगा जिन्हें हम आरतीय वगैरह भी कहते हैं, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए जो किसानों को, इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं। इसके अलावा NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, चिट फंड्स और कमिटीज़ वगैरह आप उठाते हैं, आप एक दूसरे से भी लोन ले सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में आती हैं। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में RBI का कंट्रोल रहता है, जिसमें कमर्शियल बैंक्स, कॉरपोरेटिव बैंक्स, LIC, दूसरी जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, वो सब इसमें डील करती हैं। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट RBI को हेल्प करता है कि वो RBI का कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सके इन सब एरिना में। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट होता है, उसके अंदर RBI का कंट्रोल काफ़ी कमज़ोर रहता है। भारत में डिक्टोमी यानी कि दो हिस्से, दो तरह के मनी मार्केट रहते हैं, अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज। और कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सिस्टम है ऑर्गेनाइज हो जाए। इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, ताकि हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा पूरी हो सके, और अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो हम इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकें। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं और एक मंथ में आपको 15 दिनों के बाद ही उस पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अगले 15 दिनों तक आपको 2.5 लाख रुपए की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये 2.5 लाख रुपए का अगर इंटरेस्ट हो, तो उन 15 दिनों के लिए भी एक अच्छा इंटरेस्ट बन सकता है, जो आपकी एक दिन की छोटी मोटी कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। अब ये पैसा, एक्स्ट्रा पैसा,
आपको अगर कोई 15 दिनों के लिए मांगे और आपको कुछ इंटरेस्ट दे और उसमें कुछ तरह की सिक्योरिटी हो तो इसमें क्या बुराई है। इसी तरीके से 6 महीने के लिए, 2 महीने के, 3 महीने के लिए भी कई कंपनीज के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा जो करोड़ों अरबों में होता है वो भी रह जाता है। ये सब पैसा, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आप डील कर सकते हैं। बैंक्स को भी अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए 1 दिन के लिए भी काफ़ी सारा पैसा बोरो करना पड़ता है, क्योंकि बोरोइंग अरेंजमेंट्स वो अक्सर किया करते हैं। यही सब कॉल मनी मार्केट में होता है। ये सब मार्केट्स यानी कि मनी मार्केट के हिस्से, कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, इसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिकली मनी मार्केट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। आगे इसके कंपोनेंट्स, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सब हम अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू।